अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस को बचाना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस बड़ा शिप है और अगर छोटे शिप अगर ये डूब गया तो बाकी भी डूब जाएंगे, तो आपको लग रहा है यू हैव कम हियर एज अ सेवियर ऑफ कांग्रेस? मैडम जी, बुरा मत मानिएगा, लगता है कि सवाल आप पहले ही सोच लिए थे। मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस खतरे में है, हमने कहा देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आपने वो वीडियो देखा क्या, लास्ट के ऊपर डांस देखा ना, दिल पसीज गया होगा आपका। आपको नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ भी कर जाऊँ जो मैं कर सकती हूँ? आप जब सुनती होंगी कि बलात्कार हो गया किसी महिला के साथ, आपका गुस्से से जो है ना पूरा शरीर कांप जाता होगा। देश खतरे में है, पार्टियां तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या? हर शाम पार्टी होती है इस देश में। पार्टी नहीं बचाना है, देश बचाना है, और देश बचाने की मुहिम में जो पार्टी रहेगी वो पार्टी भी बचेगी। और मुझे इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है, मैंने जितना इतिहास पढ़ा है अभी तक का NCERT में जो लिखा हुआ है, अब अगले बार 2024 में क्या लिखा जाएगा नहीं पता। उसमें तो यही है कि देश को आज़ादी जो है वो महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्या भाई हार्दिक, इन लोगों ने ही दिलाया ना, यही लोग लड़े थे। जो माफ़ी मांगे वो भीड़ हो गए, आप सोचिएगा इसको। जो गोडसे को भगवान मानते हैं वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर। हमारे गाँव में एक गाना आता था, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा, कितना अजीब लगता होगा आपको। देखिएगा वो फोटो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी पे माल्यार्पण करते हैं, जीवन भर शाखाओं में कसम लिए होंगे कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं। सी, आई एम नॉट हियर टू सेव द पार्टी, प्लीज आई एम रिस्पेक्टिंग यू एज ए सिटीजन, यू कैन रिस्पेक्ट माई राइट। देश खतरे में है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे। समझ रहे हैं, अंग्रेजी का वो फ्रेज है डांसिंग ऑन डेड, डेड बॉडी पे कोई नाच रहा है, उस दिन खाना तो नहीं खाया गया। आप सोच के देखिए, आप इस पे विचार करके देखिए, मेरे गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो पूरे गांव में खाना नहीं बनेगा, हजारों लोग मर गए। देखे 71 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के लिए सोहर गाया गया, नया बच्चा जब पैदा होता है ना तो पूर्वांचल में सोहर गाते हैं लोग, प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए हैं उनके लिए सोहर गाया जा रहा है, तब जब अभी तुरंत लाखों लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे। आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसके कोई जानने वाले नहीं मरे हों इसमें, इस क्राइसिस में? इतना बड़ा क्राइसिस जिसके देश में हुआ हो, अभी तुरंत वो अपने जन्मदिन का जश्न मनाएगा? ये भोंडापन है। इस संस्कृति को बचाने की जरूरत है, और इस संस्कृति को बचाने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में क्षमता मौजूद है। लोगों को यह बात पसंद हो या ना पसंद हो, हकीकत यह है कि पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए इस पार्टी को यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए मैं यहां आया हूं। थैंक यू न्यूज नेशन, आई विल कम टू यू। जनता पार्टी का आरोप को कौन पूछता है? आपका ऊपर को आपका कोई आरोप है मेरे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, आपका कोई आरोप है? आप सवाल पूछिए। साहब, जो साथी पीछे खड़े हैं, थोड़ा आप शांति का दान दीजिए प्लीज। अरे भैया प्लीज, दुबे जी आप पूछिए प्लीज, आस्क योर क्वेश्चन क्विकली। Yeah, please, you cannot interrupt. No, you have to have discipline. My humble request with folded hands. There is no, but yes, I am not Prime Minister. I will take your question. No, don't worry. Democracy means that you should not supersede somebody who is asking question. That's what democracy is. Dubey bhai, aapka sawal hai, News Nation se hai. Achha, bari. Jaldi se puchhiye na. Nahin, aur logo ne kiya, naam batayenge. चले गए, तो क्या माना जाए कि
कि आप जो जितने भी लोग आपने ज्वाइन किया है, राहुल गांधी की नई टीम होगी, राहुल गांधी की सियासी जो नाव है उसको पार लगाने का काम करेंगे। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, मेरे हमारे देश के लोगों के पॉलिटिकल इमेजिनेशन को कुछ हो गया है। अभी क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने अपनी आपके सवाल को अपने आप लेते हुए हमने अपने पूरे वक्तव्य को रखा। हमने कहीं भी कहा कि हम कोई टीम बना रहे हैं? बीसीसीआई थोड़ी है सर, मतलब टीम बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भारत की परंपरा, चिंतन परंपरा, सोच जिस पे आपको गर्व होता है भारतीय होने के चलते, उस परंपरा को समेटने का, उसको आगे बढ़ाने का काम देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया है। उस पार्टी के पास एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है और इस देश का नागरिक होने के चलते, साथी जिग्नेश ने कहा, यह हमारी भी ऐतिहासिक जिम्मेवारी है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमसे भी पूछा जाएगा, दुबे भाई आपसे भी पूछा जाएगा कि जब यह तमाशा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे। हमने वो कहानी सुनी है बचपन में, आपने भी सुना होगा, जंगल में आग लगी, एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। जंगल की आग नहीं बुझी, या बुझनी होगी बुझ जाएगी, कम से कम कोयल का वह ऐतिहासिक प्रयास जो है वो इतिहास याद रखेगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना डूबती हुई नाव, देखिए कभी कभी ना इंसान को भ्रम होता है, जैसे टिड्डे को भ्रम होता है कि वो अपने पांव से आसमान टिका रखा है। हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। जब आप जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे, इस देश के संविधान में, आइडिया ऑफ इंडिया में भरोसा करने वाले लोग जो हैं, जिसको हम कहते हैं गांधी के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं सर भगत सिंह के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, सावित्री बाई फूले के सपनों का भारत, श्री कृष्ण सिंह के सपनों का भारत, जगजीवन राम के सपनों का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत, उस भारत को बचाने की बात मैं कर रहा हूँ। और सियासत, मैं बार बार कहता हूँ, अगर सियासत सही होगी तो गलत लोग जो सत्ता पे काबिज हैं ना, मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है। अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी, लेकिन जब आ गए ना अपने पे, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, जब से भारत के लोग अपने पे आ गए ना, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा महात्मा गांधी ने दिया था तो अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। और उस वक्त जो लोग अंग्रेज से पेंशन ले रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, वो आज एनसीईआरटी की किताब बदल रहे हैं कि अपना नाम भी हम वीरों में लिखवा लें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस इतिहास को, उस चिंतन परंपरा को बचाने की ज़रूरत है। पार्टी अगर उस सिद्धांत पे चलेगी, संविधान के प्रीएम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी, पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसे मेरी आशा। जैनेंद्र फ्रॉम एबीपी, कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क।